हेलो दोस्तों, प्राइम टाइम क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे आप सब लोग? दोस्तों आज अपन बात करेंगे आरआरबी जेई और एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके रिगार्डिंग की क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसका, और क्या कौन सी लाइव क्लासेस अपन कितने बजे से कितनी तारीख से लेकर आएंगे, सारा डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों साथ ही अगर आप मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले आरआरबी जेई और एसएससी जेई। दोस्तों यहां पर मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको चार पार्ट्स में। अपन सबसे पहले बात करेंगे आरआरबी जेई के बारे में। आरआरबी जेई का सीबीटी वन जो होगा उसको लेकर अपन इस कॉलम में बात करेंगे। सीबीटी वन के बारे में अगर आपको बताऊं, जैसा कि आपको पता है यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो दोस्तों 100 क्वेश्चंस आएंगे, और जो टाइम अलॉट होगा आपको वो टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। यहां पर अगर सब्जेक्ट की अपन बात करें तो यहां पर आपको चार सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको मिलेगा जीके सब्जेक्ट देखने का मिलेगा, उसके बाद में जनरल साइंस देखने को मिलेगी, और एक सब्जेक्ट आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहीं अगर अपन जीके की बात करें तो जीके में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहीं अगर जीएस की बात करें तो यहां पर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जनरल साइंस में, और रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों अगर अपन बात करें यहां पर सीबीटी वन एसएससी जेई का, एसएससी जेई का जो सीबीटी वन होने वाला है यहां पर दोस्तों आपको तीन सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से तीन सब्जेक्ट? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ये एग्जाम होना कब है। तो इसका जो एग्जाम का बताया इन्होंने अप्रैल और मई, टेंटेटिव डेट बताइए, एग्जैक्ट डेट नहीं बताइए। वहीं एसएससी ने फर्स्ट सीबीटी वन की एग्जैक्ट डेट आपको बता दी है, वो बताइए इन्होंने 23 सितंबर से ले 2019 से स्टार्ट होगा ये एग्जामिनेशन। वहीं अगर अपन बात करें कि यहां पर टाइम कितना मिलेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, तो दोस्तों यहां पर आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और अगर टाइम की बात करें तो यहां पर 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और अगर वहीं बात करें सीबीटी वन में एसएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो यहां पर आपको तीन सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला रीजनिंग, और रीजनिंग में अपन बात करें तो रीजनिंग में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों वो 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। वहीं दूसरा जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा आपका जीके, अपन बोल सकते हैं जनरल अवेयरनेस, इसके आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं थर्ड सब्जेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा टेक्निकल, और यहां पर टेक्निकल सीबीटी वन में आ रहा है, इसीलिए अपन लाइव क्लास में सीबीटी वन जो टेक्निकल है उसकी तैयारी अपन सीबीटी वन के साथ में स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों अब अपन बात करते हैं सीबीटी टू को लेकर। तो आरआरबी जेई में जो सीबीटी टू आने वाला है, सीबीटी टू का जो एग्जाम कंडक्ट होगा दोस्तों उसमें अगर अपन बात करें तो आपको आरआरबी में टाइम मिलेगा 120 मिनट का, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे 150 क्वेश्चंस आएंगे, और यहां पर दोस्तों सब्जेक्ट आपको कितने, पांच सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पांच सब्जेक्ट कौन कौन से? सबसे पहला आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे दोस्तों 15 क्वेश्चंस। दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 देखने को मिलेंगे। थर्ड सब्जेक्ट आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा बेसिक कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर में जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फोर्थ सब्जेक्ट आपको मिलेगा एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। दोस्तों इसमें भी 10 क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे, और जो इसमें सीबीटी टू में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा टेक्निकल, जो भी सब ब्रांच से आपने फॉर्म फिल किया है यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आएंगे। तो आप देख टेक्निकल के 100 टोटल देख सकते हैं आप, 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं और मार्क्स भी 150 ही है। वही अगर अपन बात करें एसएससी जेई सीबीटी टू की, तो दोस्तों यहां पर ये जो एग्जाम होने वाला है सीबीटी टू वो होगा डिस्क्रिप्टिव, अपन बोल सकते हैं रिटन, ठीक है ना, रिटन और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें टाइम कितना अलॉट होगा, तो इसमें टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का, और मार्क्स जो होंगे दोस्तों वो होंगे 300 नंबर का।
और सब्जेक्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट रहने वाला है, वो है टेक्निकल का। आपके टेक्निकल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रिटन क्वेश्चन होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो टेक्निकल के आपके रहने वाले हैं वो इन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं किया है नोटिफिकेशन में। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आरआरबी का कंप्लीट पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, और ये एसएससी का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न। दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि जो अपनी लाइव क्लासेस रहने वाली हैं, वो अपकमिंग जो वेडनेसडे है तब से अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लाइव क्लासेस, और वेडनेसडे को अपन बोल सकते हैं 13 फेब से अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का आपको बता दूं, 12 बजे से दोपहर 12 बजे को आपको मैथ्स का लेक्चर देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें 1 बजे से, 1 बजे आपको रीजनिंग का लेक्चर देखने को मिलेगा, और 2 बजे आपको जनरल अवेयरनेस का लेक्चर, या फिर अपन सॉरी जनरल साइंस का लेक्चर, और जो 3 बजे से आपको लेक्चर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ट्रेड का, आपका जो टेक्निकल आपका सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये अपना सिलेबस रहेगा, ये अपना टाइम टेबल रहेगा, सिलेबस कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ कि आपका जो सिलेबस होना है वो कंप्लीट हमारे द्वारा करवाया जाएगा, और बहुत ही इजी और सिंपल वे में करवाएंगे, और जितना जल्दी हो सकता है, जितने अच्छे तरीके से हो सकता है, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, थैंक यू सो मच।